बतौर पंजाब दे चीफ मिनिस्टर सौ चुकी सी खड़खड़ कलां शहीद आजम भगत सिंह का नेटिव पिंड जद्दी पिंड जिहड़ा है उत्थे सौ चुकी सी ते 16 अप्रैल नूं कल एक महीना पूरा होण जा रहा है भगवंत मान नूं बतौर चीफ मिनिस्टर बने ते इस विच पिछले कल भगवंत मान ने कहा कि 16 अप्रैल नूं ओह कोई वड्डी घोषणा जिहड़ी है लोकां दे वास्ते पंजाब दे लोकां वास्ते करन जा रहे ने। इस वक्त असीं मोहाली खड़े हां, मोहाली मार्केट दे विच असीं गल करांगे लोकां दे नाल, खासकर जिहड़ा बिजली दा मुद्दा है 300 यूनिट फ्री बिजली दा जिहड़ा प्रोमिस सीगा इह मन्निया जा रिहा कि भगवंत मान जिहड़ा है भगवंत मान सरकार जिहड़ी है 300 यूनिट बिजली फ्री दा जिहड़ी उहनां दा प्रोमिस सीगा उसनों पूरा कर सकदी है। असीं लोकां नाल गल करांगे खासकर जिहड़ा एक महीना कंप्लीट होया सरकार दा उसनों लैके ते कल की घोषणा भगवंत मान कर सकते ने खासकर 300 यूनिट फ्री दी। सत श्री अकाल जी, की नाम तुहाडा जी? सत श्री अकाल जी, मेरा नाम रतन सिंह है, मैं मोहाली तों। रतन जी, पहले तां कल एक महीना पूरा होण जा रहा भगवंत मान होरां नूं सीएम बणिआं नूं, 16 मार्च नूं सौं चुकी सी उन्होंने खटखट कलां शहीद आजम भगत सिंह दा जद्दी पिंड है, ते पहले एक महीने नूं किद्दां देखदे हो तुसीं सरकार दे कार्यकाल नूं? देखो जी, पहलां तां भगवंत मान जी नूं बहुत बहुत मुबारकां, एक महीना उन्हां नूं सरकार विच आए नूं हो गया। देखो जी, एक महीना तो हो गया पर अजे टाइम लगता काम नूं, काम जिहड़ा भी काम है, जिस तरह भी कोई काम है, हुण बच्चा भी स्कूल पढ़ता है उन्हें भी टाइम लगता है, पेपर देने नूं 6-6 महीने साल साल लग जाता है, तो उन्होंने असं एक महीने तो असं कोई उम्मीदा नहीं अजे कर सकते, टाइम लगता हर काम नूं। दूजी तुसीं कह रहे हो कि बिजली बोर्ड जिहड़ा अपना बिजली का बिल है, बिजली का बिल तो इस तरह है कि 300 यूनिट उन्होंने कहा माफ करांगे, वो करनी पएगी उन्होंने, जे कल हो सकता कल अनाउंस भी कर दें, क्यों करनी, क्योंकि अगे हिमाचल के इलेक्शन आ रहे हैं, अगर इन करनी पैनी है, अगला कहते अभी गुडविल पंजाब च बनाएंगे ता ही तो अगो कुछ होएगा। हाँ, हम स्कूलों का देख लो, स्कूलों दर्दियों नु लैके कपला, वर्दियों लैके कपला, उस तो बाद स्कूलों दीसा कहते नहीं बदन देंगे, अभी स्टैबल करा, स्टैबल वोटा वो तो करनिया पैनिया, उन्होंने नहीं करे तो अगो हिमाचल किमें जितने, अगर इतों कोई परफॉर्मेंस दिखाएंगे भगवंत मान जी ता ही अगे कुछ होएगा ना, जिते परफॉर्मेंस ही नहीं आएगी हिमाचल तो वोट ही नहीं पाएगी इन्होंने। 300 यूनिट फ्री वाला जिहड़ा वादा भी सीगा आम आदमी पार्टी का, तुहानू लगता है कि ये 300 यूनिट फ्री मिलना चाहिए या इहदा कोई होर तरीका हो सकता, तुहानू परसनली तुसीं की फील करदे हो? देखो 300 यूनिट तां देखो जी दिल्ली भी मिल रहा फ्री, ठीक है ना, ते मोहाली पंजाब पंजाब दे विच भी मिलेगा, मिलेगा, इन्हां नूं देना पएगा, जिहड़ा 300 यूनिट फ्री है ना ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ, ਇਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੀਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੁਕਾਨ ਵਾ ਥੋੜਾ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ 2 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ, 300 ਯੂਨਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਅਗਲਾ ਅਗਲਾ 2-2 3-3 ਮੀਟਰ ਲਵਾ ਲੇਗਾ, ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਉਹਦਾ ਵੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ, ਉਹਦਾ ਅਮੀਰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਗਰੀਬ ਜੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੁਖਸਾਰ ਹੈ। ਰੁਖਸਾਰ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ, ਡਿਸੀਜਨਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਕੋ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਮੇਂ ਜੋ ਕਾਮ ਕੀਆ ਹੈ ਵੋ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਮੇਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ, ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਜੋ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਹੈ ਅਭੀ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਹੀ ਲਗਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਾਤ ਰਹੀ ਜੋ 300 ਯੂਨਿਟਸ ਵੋ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਸ ਇਹ ਮਾਨਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੋ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਵੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰੋਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਅਗਰ ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਦੋ ਦੋ ਵੋ ਲਗਾ ਭੀ ਲਿਆ
जो किराएदार ऊपर रह रहे हैं उनको भी अभी भी 9 रुपए यूनिट ही देना पड़ रहा है। मैं किराएदार हूँ, मेरे को पता है, मैंने पिछले महीने दिए हैं, दैट्स वाई मैं ये क्वेश्चन उठा सकती हूँ। जो किराएदार नहीं है उनको नहीं पता, तो उनको जो लैंडलॉर्ड है उनको तो फ्री में आ रहा है। हमारा 17,000 बिल आया था, उसमें से आंटी को बस 2,000 देना पड़ा, हम तीनों में 5,000 डिवाइड हुआ। तो वही बात वहीं पे है कि जो अमीर है वो और अमीर होता जाएगा, जो गरीब है जो रेंट पे रह रहा है उसका तो जा ही रहा है। तो वो चीज है कि भगवान मान सर को कुछ अलग से भी करना चाहिए, जो किराएदार है उनके लिए भी कुछ चीजें अलग से करनी होगी, उनके लिए भी कुछ अच्छा सा डिसीजन लेना होगा। तो ये चीज है, मेरा ये कहना है। बहुत इंटरेस्टिंग गल्लां जिहड़ियां ने लोकी कह रहे ने, रैशनलाइज करना चाहिए। जिदा खेती दे मामले च बिजली दी गल हुंदी है, बिजली नूं रैशनलाइज करन दी कई वार गल हुंदी है कि अमीर किसान नूं नहीं दित्ती जावे फ्री बिजली, गरीबां नूं दित्ती जावे। उदां ही हुण जिहड़े 300 यूनिट फ्री दी गल है उस नूं लैकर भी बहुत तरह दे विचार आ रहे ने। लोकां नाल गल करदे हां, सति श्री अकाल जी, की नाम तुहाडा? सुरजीत सिंह जी। सुरजीत जी, पहले तां 1 महीना कंप्लीट होणा है कल भगवंत मान होरां नूं मुख मंत्री बणिआ नूं, किदां देखदे हो फिलहाल 1 महीने नूं इस नूं? नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, उस तो बाद ही रिजल्ट कुछ आंदा है। बाकी जिहड़ी 300 यूनिट दी बजाय ना, मेरे राय है कि बिल्कुल फ्री दी बजाय ना रेट डाउन कर दो, 2-3 रुपए यूनिट कर दो। ओहदे च है कि लोकी वेस्टेज नहीं करनगे, 2-3 रुपए करो ताकि पब्लिक आराम ना दे भी सके। जिहड़े जरूरतमंद मेन ने हुण जिहड़े शोरूम, उन्हां नूं तां कोई फर्क नहीं पैना। मेन जिस तरह साडी छोटी मार्केटां ने इन्हां ते ज्यादा फोकस रखेदा है कि खासकर दुकान वाला जिहदे 10 रुपए यूनिट चलदी पई है, अगर साडी इक इन केस 3-4 रुपए यूनिट भी होगी ते फ्री नालों ते चलो सानू कुछ ते राहत मिली। लेकिन फ्री दी जिहड़ी गलत है ओह गलत है। हां, कुछ 2-3 रुपए यूनिट हो जाए ओह मच बैटर है, ओहदे नाल ना सरकार ते भी बोझ नहीं पेगा ते थोड़ा बहुत जिस तरह खरीदे हुए चलो रेट टू रेट भी कह दें, नो प्रोफिट नो लॉस, सरकार नूं भी ज्यादा लॉस नहीं आएगा, उते दुकानदार भी इजी रह जाएंगे, ओहदा बैटर रहेगा। बहुत सारे व्यूज आ रहे ने लोकां दे जिहड़े स्कीम असीं गल कर रहे ने कि 300 यूनिट फ्री कीती जा सकदी है कल तों भगवंत मान होरां वल्लों। सति श्री अकाल, तुहाडा की नाम जी? प्रभजीत सिंह जी। प्रभजीत जी, पहले तां 1 महीना कंप्लीट होना है कल भगवंत मान होरां नूं मुख मंत्री बणिआ नूं, किदां देखदे हो 1 मंथ दे इस फंक्शनिंग नूं सरकार दी? कुछ थोड़ा जा फर्क लग रहा है, लेकिन इन्ना नहीं है फर्क, अजे पता लगेगा हौली हौली कि अगे होएगा। लेकिन उन्होंने फ्री नहीं करनी चाहिए, चाहे पैसे कुछ घट रेट करना चाहिए लेकिन फ्री नहीं करनी चाहिए। देखो हाँ, थोड़ा सानू जे तुसी ऑब्जर्व कर रहे हो बीइंग मतलब एक कॉमन मैन, तुहानू किथे किथे फर्क लग रहा सरकार दी फंक्शनिंग दा, कि इत्थे फर्क पै रहा है एरियाज दे विच फर्क पै रहा? एरियाज दे विच तां अजे तां टाइम लगेगा, अजे कोई किथे फर्क नहीं लग रहा, लेकिन यह है कि जड़ा हुण ऑफिसेज जे तुसी जाओ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹਰ ਆਫਿਸ ਚ ਫੁੱਲ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਰਕ ਫੁੱਲ ਲੋਡ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ, ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, PSPCL ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਆਮ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, 301 ਤੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਊ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨ? ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਤਾਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਫੂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹਤ ਕਰਨੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਅਮੀਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਗਰ
जब उन्होंने पेमेंट पूरी लैनी है तो 300 यूनिट की अजकल 600-700 यूनिट आम फूक देंगे हर कोठी वाले 100%। ठीक है ना, तो कोई फायदा ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग ते डाइवर्जेंट व्यूज आ रहे ने इस इशू दे ते। पंजाब स्टेट वसाखी बंपर दी लाटरी निकलनी है। पंजाब स्टेट डियर वसाखी बंपर लाटरी, पहला इनाम 2.5 करोड़ गारंटेड, ते जितो होर बहुत अट्रैक्टिव प्राइजेस भी। टिकट दी कीमत सिर्फ 500 रुपए, ड्रॉ 16 अप्रैल। याद रखना, पहला इनाम 2.5 करोड़ सिर्फ खरीदिया हुई टिकटां ते। डियर लॉटरी, समा बदलेगा जिंदगी बदलेगी। बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग व्यूज जेड़े ने असी सुन रहे ने लोकां दे इस इशू नो लेके। 300 यूनिट फ्री बिजली जेड़ा इशू चलिया, तुहाडा की नाम जी? कुलवंत सिंह जी। कुलवंत जी, पहले तो बिजली ते गल कर लेने, हुण गल चली है जदों कह रहे ने कि कल नूं भगवंत मान वड्डी अनाउंसमेंट करन जा रहे ने। आप ही कहा उन्होंने कि 16 तरीक नूं मैं अनाउंसमेंट करांगा वड्डी लोकां वास्ते पंजाब दे, ते इह मन्निया जा रहा है कि 300 यूनिट फ्री दा जेड़ा वादा सीगा पार्टी दा, आम आदमी पार्टी दा, उहनूं पूरा कर सकदे ने। तुहाडा की